एक बार की बात है, किसी गांव में पूनम नाम की एक विधवा औरत अपनी बूढ़ी सास सुमित्रा के साथ रहती थी। दोनों सास बहू सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। इसी तरह एक दिन वो दोनों सब्जियों की टोकरी लेकर शहर के बाजार की ओर जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वे दोनों पुल के ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक पूनम की सास का पैर फिसल जाता है और वो सीधे पुल के नीचे नदी में जा गिरती है। तभी सुमित्रा का सिर नदी पर एक पत्थर से जा टकराता है और देखते ही देखते नदी का पानी खून से लाल होने लगता है। यह देख पूनम घबरा जाती है और अपनी सास को बचाने के लिए फौरन नदी में छलांग लगा देती है। फिर किसी तरह सुमित्रा को बचाकर वो नदी से बाहर निकाल लेती है। लेकिन तब तक सुमित्रा का काफी खून बह चुका था और वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी। उसके बाद पूनम सुमित्रा को पास के एक अस्पताल में ले जाती है। ये लीजिए, जल्दी से ये सारी दवाइयाँ लेकर आइए। पूनम भागती हुई दवाइयाँ खरीदने मेडिकल स्टोर पहुँच जाती है। सुनिए भैया, जल्दी से मुझे दवाइयाँ दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाला पूनम से पर्ची लेकर उसे दवाई देने लगता है। इन सारी दवाइयों के पूरे 20,000 रुपए होते हैं। अरे बाप रे, 20,000 रुपए! इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। देखिए भैया, मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें वक्त पर दवाइयाँ नहीं मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। मेहरबानी करके आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए, मैं थोड़े दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे मेरे यहाँ जो भी दवाइयाँ खरीदने आता है, सबका कोई ना कोई मरने की हालत पर ही होता है। अगर इस तरह मैं लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ बांटता रहा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो सीधे उल्टे पाँव निकल जा। बेकार में यहाँ खड़ी रहकर रोना धोना मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। इस तरह दुकान वाला पूनम को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अपने सामने कोई और रास्ता ना देख पूनम गांव के साहूकार के पास अपना घर और खेत गिरवी रखकर उससे पैसे ले लेती है। उसके बाद पूनम उन पैसों से अपनी सास का इलाज करवाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पूनम बाजार से सब्जियां बेचकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते के बीचों बीच उसे एक बहुत बड़ी कटहल दिखाई देती है। कटहल का बड़ा आकार देख पूनम की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कटहल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। उसके बाद पूनम उस कटहल को उठाकर अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन पूनम उस कटहल को काट कर उसे बेचने का फैसला करती है। लेकिन पूनम जैसे ही कटहल के दो टुकड़े करती है कि तभी कटहल के अंदर से एक छोटी सी बच्ची बाहर आती है। ये नजारा देख पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, कटहल के अंदर से तो बच्ची बाहर निकल आई, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। बच्ची को रोते देख पूनम से रहा नहीं जाता और वो उसे चुप कराने के लिए अपने घर में रखा दूध उसे पिलाने लगती है। दूध पीने के बाद बच्ची शांत हो जाती है और सुकून से सोने लगती है। पता नहीं ये बच्ची उस कटहल के अंदर कैसे आई, आखिर ये किसकी बेटी हो सकती है? अब मैं इसका क्या करूं? मैं इसे इस तरह कहीं छोड़ भी नहीं सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बच्ची को पालना होगा। फिर उस दिन से पूनम उस छोटी बच्ची की माँ बनकर उसे पालना शुरू कर देती है। पूनम उसका नाम कावेरी रख देती है। फिर एक दिन पूनम कावेरी के साथ बाजार के फुटपाथ पर बैठकर सब्जियां बेच रही थी। तभी अचानक एक बड़ी सी कार अपना संतुलन खोकर फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है और देखते ही देखते पूनम की सारी सब्जियां कुचल कर आगे चली जाती है। ये देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से उस कार वाले को भला बुरा कहने लगती है। थोड़ी दूर जाकर कार रुक जाती है और उसके अंदर से नीलम नाम की औरत बाहर निकलकर पूनम के पास आकर उसे डांटने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनाप शनाप कहने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? इस सारे बाजार की जमीन मेरे पिताजी की है। चल मुझसे माफी मांग, वरना मैं तुझे यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। लेकिन नीलम की धमकी सुनकर पूनम जरा भी नहीं घबराती और डटकर उसके सामने खड़े होकर उसे जवाब देने लगती है। तुम अमीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घमंड में चूर होकर हम गरीबों के पेट पर लात मारो। मैं बहुत मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालती हूँ। तुमने मेरी सारी सब्जियाँ अपनी कार के नीचे कुचल कर खराब कर दी। चलो मेरे नुकसान की भरपाई करो, वरना ठीक नहीं होगा। दो कौड़ी की औरत,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमका रही है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर नीलम अपनी सैंडल निकाल कर पूनम को मारने लगती है। अब तू मुझसे नहीं बचेगी, मार मार कर मैं तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। फिर अपना बचाव करते हुए पूनम नीलम को धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। हाय, मार डाला रे, मेरी तो कमर ही टूट गई, ओए माँ। तभी वहाँ नीलम के पिता आ जाते हैं। नीलम रोती हुई अपने पिता को सारी बात बता देती है। क्यों रे पूनम, तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करके ठीक नहीं किया। मैं इसी वक्त तुझे इस बाजार से बेदखल करता हूँ। चल निकल जा यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं अपने आदमियों से कहकर तेरी और तेरी बेटी की टांगे तोड़वा दूंगा, समझ गई ना? चल चल जा यहाँ से। फिर मजबूर होकर पूनम कावेरी के साथ वहाँ से चली जाती है। घर जाकर पूनम अपने हालात पर दुखी होकर रोने लगती है। दुखी होने से कोई फायदा नहीं बहू, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। यहाँ गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दौलतमंद लोगों की इज्जत होती है। गरीबों को रास्ते का पत्थर समझकर उन्हें ठोकर मार कर किनारे कर दिया जाता है। मेरी बात मान तो कल से तू गांव में घूमकर सब्जियां बेच, अब इसी तरह हमारा गुजारा हो सकता है। ठीक है मम्मी जी, मैं यही करूँगी। उसके बाद पूनम घर में रखे आलू की छटाई करने लगती है। तभी कावेरी एक आलू उठाकर अपने दांतों से काट लेती है और अगले ही पल वो साधारण आलू सोने का आलू बन जाता है। ये देख पूनम और सुमित्रा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दोनों आश्चर्य से कावेरी को देखने लगती हैं। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और कावेरी एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मैं परी देश में रहने वाली सानिया परी हूँ। मेरी शरारत से नाराज होकर रानी परी ने मुझे छोटी बच्ची बनाकर कटहल के अंदर कैद करके पृथ्वी पर फेंक दिया था। रानी परी ने कहा था कि जब कोई दयालु औरत 5 साल तक मुझे पालकर मेरी सेवा करेगी तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। आज पूरे 5 साल हो गए, इसलिए मैं श्राप से मुक्त हुई हूँ और अब मैं अपने परिदेश जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। उसके बाद सानिया परी पूनम को एक जादुई छड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी पूनम की पड़ोसन नैना ये सब देख लेती है। ओहो, तो वो परी पूनम को एक जादुई छड़ी देकर गई है, लेकिन पूनम इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आज रात को ही मैं पूनम के घर से ये जादुई छड़ी चुरा कर हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर भाग जाऊंगी। फिर रात होते ही नैना चुपके से पूनम के घर में दाखिल हो जाती है और उसके कमरे में रखी जादुई छड़ी उठाकर वहां से भाग निकलती है। जादुई छड़ी पाकर नैना बहुत खुश हो रही थी। अब इस जादुई छड़ी के जरिए सबसे पहले मैं अपने लिए एक उड़ने वाला स्कूटर प्रकट करूंगी और उस पर सवार होकर हवा में उड़ती हुई यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगी। ये सोचकर नैना जादुई छड़ी घुमाने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो जादुई छड़ी एक बड़े झाड़ू के रूप में बदलकर नैना की पिटाई करने लगती है। हाय, मर गई रे, अचानक ये जादुई छड़ी झाड़ू में कैसे बदल गई? अरे कोई बचाओ मुझे, वरना ये झाड़ू मेरी हड्डी पसली तोड़ देगी। तभी जादुई झाड़ू से आवाज आती है। तुझे चोरी करने का बहुत शौक है ना लालची औरत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा तू मुझे कभी दिखाई दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, चल भाग यहाँ से। उसके बाद नैना डर के हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ वो जादुई झाड़ू फिर से छड़ी के रूप में बदलकर पूनम के घर पहुंच जाती है। अगले दिन पूनम उस जादुई छड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने पुराने झोपड़े को एक सुंदर आलीशान मकान में बदल देती है। फिर उस दिन से नैना के जीवन में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती और वो अपनी सास के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।